हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बाजार जैसी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें पनीर डालेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर का यूज़ किया है और यहाँ मैंने पनीर को लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो इसे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चुटकी जीरा पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 चुटकी या 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक या अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप अगर इसे नहीं पसंद करते तो स्किप कर दें। और अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच दही डालेंगे। यहाँ मैंने मार्केट वाले दही का यूज़ किया है, आप इसकी जगह घर का फ्रेश दही भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे पनीर में सारे मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढक करके साइड में रखेंगे और जब तक पनीर मैरिनेट होता है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक बर्तन में 1 कटोरी या 150 ग्राम मैदा ली हूँ और मैदे में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है, आप घी की जगह बटर या 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसकी जगह दूध का यूज़ करें और दूध डाल करके आप इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ पानी डालकर हम इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैं मैदे को अच्छे से गूंद ले रही हूँ और यहाँ मैंने हल्के गुनगुने पानी से इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर ली हूँ। और डो को हम ढक करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और अब हम सब्जियाँ लेंगे और सब्जियों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ मैंने धो के वॉश कर लिया है और हम इसे बीच में से इस तरीके से पत्ते गोभी को कट कर लेंगे। और अब हम चाकू से इसके पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं ये इजीली कट रहा है। तो इस तरीके से हम पत्ते गोभी को काट करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने पत्ते गोभी को बिल्कुल अच्छे से काट लिया है। और सेम तरीके से हम कैप्सिकम या शिमला मिर्च को भी कट कर लेंगे। यहाँ मैंने ग्रीन कलर के शिमला मिर्च ली हूँ, आप चाहे तो जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हो आप उस कलर का शिमला मिर्च ले सकते हैं। और इसे भी हम सेम तरीके से बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे और इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम तरीके से हम गाजर भी लेंगे, गाजर को भी हम इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। और इस टाइम पे आप हाथ को अपना बचा के कट करें, जिससे इसके अच्छे से स्लाइस कट हो जाएंगे और आपका हाथ भी बिल्कुल नहीं कटेगा। और आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पतले पतले स्लाइस में कट कर ली हूँ। और सेम तरीके से हम प्याज को भी बीच में से काट लेंगे और इसके भी पतले पतले स्लाइस कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ मैंने प्याज को भी बहुत अच्छे से पतले स्लाइस में कट कर ली हूँ और इसे भी अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया, हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को ऑयल में अच्छे से क्रैक होने देंगे। और अब हम इसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डालकर 20 से 25 सेकंड के लिए इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। 20 से 25 सेकंड हो गए हैं, हम कटे हुए गाजर डालेंगे और स्लाइस में कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे और इन सभी को हम फिर से एक बार हाई फ्लेम पे ही 20 से 25 सेकंड के लिए फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। और अब हम इसमें स्लाइस में कटे हुए पत्ता गोभी डालेंगे और इस टाइम पे भी गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे आप इस तरीके से सारे वेजेस को डाल करके भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। और अब हम इसमें
दो छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और एक छोटी चम्मच किचन किंग मसाला यहाँ मैं ऐड की हूँ। आप अपने फ्लेवर के अनुसार मसाले ऐड करें। और अब हम इस सभी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और अब हम इसमें लास्ट में नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 छोटी चम्मच नमक का यूज़ की हूँ। और अब हम नमक डालकर इन सभी सब्जियों को अच्छे से मिला करके मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं सब्जी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और इस टाइम पे हम सारे सब्जियों को इस तरीके से साइड में कर लेंगे और इसके बीच में मैरिनेट किए हुए पनीर ऐड करेंगे। यहाँ पनीर को मैरिनेट किए हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। पनीर डालेंगे, गैस का फ्लेम 1 मिनट के लिए हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम पनीर को अच्छे से बीच में स्पैचुला से चलाते हुए भून लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे जिससे दही फटेगी नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारी सब्जियों को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसे हाई फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे। और आप देख सकते हैं पनीर हमारे अच्छे से पक गई है और इसका सारा पानी भी अच्छे से सूख गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और 5 से 6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। हम इसे एक बार फिर से हल्के हाथों से चिकना कर लेंगे और अब हम इसके लोई तोड़ लेंगे और इसे इस तरीके से राउंड करते हुए पेड़ा का शेप देंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा लगा लेंगे और इसे हल्के हाथों से दबा लेंगे। और अब हम इसे बेल लेंगे। हम इसे नॉर्मल चपाती या रोटी के साइज में बेलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे घुमा घुमा के अच्छे से बेल ले रही हूँ। और अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और तेल डाल करके हम इसे अच्छे से बीच में से नाइफ से इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ मैं इसे पतले पतले और लंबे स्लाइसेस में यहाँ मैंने सारे को अच्छे से कट कर लिया है पराठे को। और अब हम इस तरीके से इसे राउंड शेप में फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से गोल घुमाते हुए सेंटर से दबा लेंगे। और ये देखिए हमारा लच्छा पराठा के लिए डो बिल्कुल सेट हो गया है। और अब हम इसे बीच से दबा करके इसके ऊपर आपको अगर लगे तो सूखा मैदा डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ऑयल काफ़ी अच्छे से लगाया है तो बिना मैदे के भी ये अच्छी तरीके से हम इसे इस तरीके से घुमाते हुए बेल लेंगे। और ये जो बीच में से लेयर निकल रहा है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि जब हम इसे तवा पे सेकेंगे तो ये लेयर काफ़ी अच्छे से आपस में चिपक जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लच्छा पराठा बेल के तैयार कर लिया है और यहाँ मैंने गरम तावा होने के लिए रख दिया था और तावा बहुत अच्छे से गरम हो गया है। तो पराठे को हम तावा के ऊपर डालेंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम पे हाई रखेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। और अब हम इसके ऊपर तेल डालकर इसे अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं पराठा हमारा एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। और अब हम पराठे को सेम तरीके से पलट कर दूसरे तरफ से भी अच्छे से इसके ऊपर ऑयल या आप बटर भी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। और पराठा अभी हमारा काफ़ी गर्म है, लेकिन आप देख सकते हैं पराठा हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसके ऊपर सॉस या केचप लगा लेंगे। यहाँ मैंने केचप का यूज़ किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इसे लगा दें। और केचप लगा के हम इसे अच्छे से पराठे के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे या फैला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सेजवान सॉस या सेजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम पराठे के सेंटर में स्टफिंग ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे स्पैचुला से स्टफिंग को अच्छे से फिल कर दी हूँ। और पनीर के क्यूब्स को हम इक्वली सारे पराठे के ऊपर फैला देंगे। और अब हम इसके
इसके ऊपर बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे और स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के गाजर खीरे भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे और चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक अच्छी तरीके से फैलाते हुए छिड़क देंगे। और अब हम इसे और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही बढ़िया बिल्कुल मार्केट जैसा वेज पनीर काठी रोल बनके तैयार हो गया है। और अब हम एक पेपर लेंगे और रोल को पेपर में हाफ करके अच्छे से रैप कर लेंगे और नीचे से इसे अच्छे से पैक कर देंगे। और आप देख सकते हैं घर पे ही हमारा पनीर वेज काठी रोल बनके तैयार हो गया है। और ये बनाना जितना ज़्यादा आसान है खाने में उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। तो इस रेसिपी को आप भी घर पे झटपट से बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस तरीके से वेज काठी रोल आप घर पे बनाएंगे तो बच्चे बाहर का खाना ही भूल जाएंगे। इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और